हेलो गाइस, फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारा चैनल स्टॉक मार्केट अड्डा में। बात करने वाले हैं आरकॉम शेयर के बारे में, क्या इस शेयर को बाय करना चाहिए, क्या इसका फंडामेंटल। आरकॉम शेयर आप देखोगे 2 रुपये 45 पैसे में शेयर दे रहा है। मैक्सिमम चार्ट पर हम देखोगे तो कंपनी 99% टूट चुका है, यानी कंपनी खराब हो चुका है। 650 रुपये तक शेयर हाई लगाया है, 650-700 रुपये, 300 रुपये करके 2006 में लिस्टिंग हुआ था। ओवरऑल तो खत्म हो चुका है कंपनी। कंपनी का बैकग्राउंड चेक करेंगे, स्ट्रॉन्ग रहेगा बाय करेंगे, नहीं तो उसको अवॉइड करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ईयर वाइज डाटा, रेवेन्यू डाउन, नेटवर्क डाउन, प्रॉफिट डाउन हुआ है, तो ज्यादा पैसा नहीं, बहुत ही स्मॉल अमाउंट लगाएंगे। शेयर होल्डिंग पैटर्न, रिटेल इन्वेस्टर 93%, डोमेस्टिक वाले 4%, प्रमोटर 1.85% माल रखा है। कंपनी का फुल डिटेल्स देखोगे तो BSE और NSE दोनों में लिस्टिंग है कंपनी, और 675 करोड़ का मार्केट कैप है। पी नेगेटिव, बुक वैल्यू नेगेटिव, डिविडेंड नहीं देता है, ROCE नेगेटिव, फेस वैल्यू 5 का है। कर्जा 47,000 करोड़ का है, रिजर्व नहीं रखा है, एसेट रखा है, वॉल्यूम ठीक है, एप्लीकेशन नहीं रखा है, अर्निंग परसेंट नेगेटिव, नेटवर्क नेगेटिव, 6 महीने में अच्छा रिटर्न दिया है, सेल ग्रोथ नेगेटिव, प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव, नेट प्रॉफिट नेगेटिव, तो ज्यादा पैसा नहीं, स्मॉल अमाउंट लगाएंगे। लॉन्ग लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे, कंपनी हम लोग को अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करेगा। तो होप करता हूँ इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आएगी। पसंद आएगी दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।